नमस्कार, मैं हूं शेफ देवाशीष पांडे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कापा, एक फेमस डिश है कुमाऊं रीजन की, उत्तराखंड से। कापा को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पालक के पत्ते, इन्हें अच्छी तरह भून लीजिए। उसके बाद इन्हें हमें अच्छी तरह धोना है। आप कापा स्पिनेच के पत्तों का पेस्ट बना के भी बना सकते हैं, नहीं तो उसको बारीक काट के आप पकाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पालक को बारीक से काटेंगे, फाइनली श्रेड करेंगे। ये देखिए, पालक बारीक से कट रहे हैं। आप इससे भी बारीक अगर आप काट सकते हैं तो काट सकते हैं। उसके बाद आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा, होल जीरा आप लेंगे। ये देखिए, जीरा को थोड़ा सा उसको भूनना है तेल में। उसके बाद आप इसमें कटे हुए पालक के जो पत्ते हमने पहले काटे हुए थे वो हम डालेंगे। ध्यान रखिए कि तेल गर्म हो, तभी आप कटे हुए पालक इसमें डालें। दो से तीन मिनट इसी में पकाने के बाद इसमें बिना पानी डाले हुए आपको ढकना है और इसको इसी की स्टीम में आपने 8 से 10 मिनट तक पकाना है। तब तक आप वेजिटेबल्स को काट लीजिए जो तड़के में जाएंगे, अनियन, टोमेटो, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली। सभी वेजिटेबल्स को आपने फाइनली चॉप करना है। उसके बाद 10 मिनट बाद आपने जो पालक पक रहा था उसको बाहर निकालना है और ये पालक को आपने एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रखना है। अब हम मेन स्टार्ट करेंगे तड़का बनाना, जिसमें कढ़ाई लीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल, जखिया, जीरा और रेड चिली से उसको तड़का लगाइए। बाद में उसमें जिंजर और गार्लिक जो आपने चॉप करके इसके लिए बनाया था, काटा था, उसको हमने डाल के अच्छी तरह फ्राई करना है। तब तक आप इसको पकाएं जब तक ये लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। उसके बाद इसमें चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिलीज डाल के आपने पकाते रहना है और तब तक पकाना है जब तक कि अनियन अच्छी तरह पक ना जाए और लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। अनियन के लाइट ब्राउन होते ही उसमें आपने बाद में चॉप्ड टोमेटोज को भी डाल दिया। अब चॉप्ड टोमेटोज डालने के बाद आपने कुछ बेसिक स्पाइसेस पाउडर भी ऐड करने हैं, जैसे कि टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो ये तीन बेसिक स्पाइस पाउडर आप डालिए, साथ में हल्का सा पानी और नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसे आप ढककर भी पका सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे हल्का सा पानी डाल के भी इसे पकाते रहें या फिर ऐसे ही इसे पकाते रहें, चलाते रहें जब तक टमाटर पक ना जाए। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें टमाटर पक जाने चाहिए, तभी इसमें टेस्ट आएगा। अब टमाटर के पकने के बाद आपने इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन का फ्लावर डालना है। आप हल्का सा उसे रोस्ट कर लीजिए, मैंने एक डब्बे में करके रखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे रोस्ट करके तब आप यहाँ पर डालिए, ये थिकनिंग एजेंट का भी काम करेगा, तो इसीलिए इसे कच्चा ना डालें, इसे हल्का सा भून लीजिए। बाद में इसमें आधी कटोरी दही भी डालिए। दही डालने से आपके कापा में हल्का सी खटास आएगी और एक फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाएगा। बाद में इसमें जो हमने पहले पकाया हुआ पालक था वो भी अब डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को एक साथ आप मिक्स करें और हल्का सा पानी डालें और इसे आप ढककर भी पका सकते हैं 8 से 10 मिनट, नहीं तो इसको ऐसे भी पका दें। तो ये लीजिए, कापा हमारा रेडी हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।